आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चले अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू आपको हम पटाखे देंगे। भाषण का एक क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें ब्राह्मणों को लेकर आपके द्वारा शब्द कहे गए हैं, सवाल उठा। देखिए, कोई अब शब्द ब्राह्मण के लिए नहीं कहा है। अगर ब्राह्मण इस बात को समझते हैं कि उनके लिए अब शब्द कहा गया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हमने अपने समाज के लिए कहा है कि हमारा जो समाज है ये गलत समाज है। एक तरफ हम लोग माँ सबरी की पूजा नहीं कर रहे हैं, दीनाभद्री की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी वीर की, अपने देव देवताओं की पूजा नहीं करते हैं और करते थे पहले। लेकिन ये हरामी लोग अब सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते हैं, लाज नहीं आता है उनको कि पंडित जी जाते हैं सो कहते हैं कि बाबू तोरा के यहाँ खाएंगे नहीं, नगदे पैसा दे दो, इसमें तो लाज शर्म लगना चाहिए, उसके बाद भी उनको खिलाते हैं। हमें ये कहा है तो ये हरामी शब्द अपने समाज के लिए कहा है। हाँ, कि हरामी है, अपने कुल को ये लोग नाश करने वाले हैं, माता सबरी को नहीं समझ रहे हैं, तुलसी वीर को नहीं समझ रहे हैं, दीना भरदी को नहीं समझ रहे हैं और आप सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर रहे हैं और ऐसा पूजा कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि वैसे लोगों से पूजा कराते हैं जो इनके खाना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं नकदे दे दो। ये हमने समाज को कहा, पूजा से दिक्कत है या पूजा कराने वाले से दिक्कत है? हम पूजा कराना जो करवा रहा है उससे दिक्कत है, क्यों ब्राह्मण को हम बुलाते हैं? हमारे यहाँ तो अपने कुल देवता है, महंत है और ये लोग है पूजा करता था ये सब हमारे देवताओं को, हम दूसरे को क्यों बुलाते हैं? ये हम कहना चाहते थे उनको। वैसे ब्राह्मणों का मतलब बहिष्कार करना चाहिए जो अब बहिष्कार करे या न करे उसके मन पर है, आस्था पर है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि वैसे लोगों से पूजा नहीं कराना चाहिए जो हमारे यहाँ खा नहीं सकते हैं, हमारा छुआ पी नहीं सकते हैं, तो फिर वैसे लोगों को क्यों हम अपने घर में इंटर करने देंगे? वैसे लोग हरामी हैं जो ऐसा करते हैं जी, यही हमने कहा है। मतलब अल्टरनेटिवली वो लोग भी वो हैं जो आप कहना चाह रहे हैं? क्या अल्टरनेटिवली हैं सर जो आप बोल रहे हैं अपने कास्ट के लोगों? हाँ, हम अपने के लिए भी वही सब नहीं, ब्राह्मण के लिए क्यों कहेंगे? ब्राह्मण के लिए किसी जात के लिए हम क्यों कहेंगे भाई? जात कोई अपना बनाया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जात को बनाया है, वो तो समाज को बर्बाद करने के लिए बनाया है, उसको हम अपने नहीं मानते हैं, लेकिन उनको हम क्यों कहेंगे? सब लोग मान रहा है, देखो हमारे न मानने से क्या होगा? भगवान राम को सब कोई मान रहा है, हम नहीं मानते हैं तो क्या हो गया? तो उसी प्रकार से है, ब्राह्मण को सब कोई मान रहे हैं, हम ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, लेकिन हम उनको गाली क्यों देंगे? हम अपने समाज को कहा कि हमारा समाज चुतिया है जो अपने कुल देवताओं को न पूजा करके दूसरे से पूजा करवाता है और ऐसे से कराता है जो उसे क्या खाना और पीना पसंद नहीं करते हैं, नगद पैसा मांगता है। बात तो यही, अभी राजनेता हैं वो, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका संदर्भ ये नहीं रहा होगा, लेकिन जब से वो बीजेपी आरएसएस के साथ गए तब से वो गड़बड़ा गए। तो भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए और उनके मुख से ये गाली गलौज की भाषा, किसी जात विशेष को अपमानित करने वाली भाषा शोभा नहीं देती है। लेकिन भाजपा आरएसएस तो इसी की राजनीति करती है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर नफरत फैलाने की। ब्राह्मण तो अपने कर्मों संस्कारों के बल पर जाना जाता है और सत्यनारायण भगवान की पूजा की जहाँ तक बात है, ये आस्था है अपना अपना, कोई तुलसी का पत्ता का भी पूजा करता है, कोई उसे नहीं करता है, गंगा माता को कोई मानता है नहीं मानता है, गौ माता को मानता है नहीं, तो ये सारा विषय नहीं हो सकता जनता के लिए। जनता का विषय है बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये है। तो ये असली मुद्दे से ध्यान भटका करके आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी वहाँ अपमानित हो रहे हैं एनडीए में, तो वो भड़ास निकाल रहे हैं। तो कभी कभी वो जो बोलते हैं उन्होंने फिर स्पष्ट कर दिया है और आजकल तो एडिटिंग का ज़माना है, कुछ से कुछ तोड़ मलोड़ कर भी दिखाया जाता है। तो हम समझते हैं कि जीतन बाबू मांझी जी ने जिस संदर्भ में ये बात कही होगी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका कहीं भी मकसद, उद्देश्य, मंशा ये नहीं था कि किसी जाति को गाली देना, अपमानित करना। उन्होंने ब्राह्मण समाज से माफ़ी भी मांग ली। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।